सो गाइस, आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले फ्री फायर में जो न्यू वेपन रॉयल पे MP40 आई है और जो मैकेनिकल MP40 है, जो कि फ्री फायर की सबसे बेस्ट MP40 है। जो मैंने वीडियो बनाई थी, अगर आप लोग समझते होंगे कि न्यू ईयर MP40 सबसे बेस्ट MP40 है, तो मैंने न्यू ईयर और मैकेनिकल MP40 के ऊपर वीडियो बनाई थी। आप लोग उसको जाके देख लेंगे तो आप लोग कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी कि न्यू ईयर MP40 अच्छी है, मैकेनिकल MP40 अच्छी है। तो गाइस, यहाँ पर बात हो रही है कि न्यू वेपन रॉयल पे जो MP40 आई है और मैकेनिकल MP40, इन दोनों में से कौन सी MP40 बेस्ट रहेगी आप लोगों के लिए। सो गाइस, मतलब कि मैंने जब MP40 को देखा और मैंने देखा इसका रेट ऑफ फायर और भी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, तो मैं काफ़ी शॉक्ड रह गया, क्योंकि रेट ऑफ फायर MP40 का वो बहुत ज़्यादा है, काफ़ी तेज़ MP40 ऐसे ही चलती है, मगर इसका रेट ऑफ फायर और भी बढ़ा दिया गया और मैगजीन भी, इसमें अच्छी बात है, मैगजीन भी बढ़ा दी गई हैं। मगर मैं आप लोगों को बता दूं, इसकी रेंज माइनस कर दी गई है, जो कि इसने मतलब नोबड़ा वाला काम कर दिया। अगर ना रेंज इसकी माइनस करके क्या मिला उसको माइनस करना, तो यार थोड़ा मतलब मैगजीन वगैरह या रिलोड स्पीड कुछ भी माइनस कर सकते थे, मगर उन्होंने माइनस कर दी इसकी रेंज। तो गाइस, ये आप लोग बताइए कि अगर आप लोगों को रेंज माइनस खेलना ही है तो आप लोग शॉर्ट गन नहीं यूज कर लोगे? मतलब आप लोग, मेरी UID आ रही है यहाँ पे, आप लोग इसको मतलब मेरे फ्रेंड को सेंड कर सकते हैं, UID स्क्रीन पे आई थी। तो गाइस, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि अगर इसकी रेंज माइनस कर दी जाए, तो रेंज माइनस होने से अगर आप लोग इसको यूज़ करोगे, तो मैंने यूज़ किया है गाइस, मेरे को 24 आवर्स के लिए निकल गई थी एक वेपन रॉयल में। तो गाइस, मैंने यूज़ किया तो इसकी रेंज जो है मतलब शॉर्ट रेंज में बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी चलती है, और लॉन्ग रेंज में MP40 जिस लिए बनाई गई उस काम के लिए नहीं है, क्योंकि गाइस MP40 का मेन काम यही है कि वो थोड़ा लॉन्ग रेंज में भी मार देती है। तो MP40 अगर आपके सामने शॉर्ट गन यूजर आ गया, आप लोग इसे MP40 का यूज़ कर रहे हो, या फिर वो भी MP40 यूज़र हो मगर मैकेनिकल MP40 यूज़र हो, तो आप लोगों को आराम से मार देगा, क्योंकि आप लोगों की जो मतलब डिस्टेंस रहेगा वो दूरी बनाए रखेगा, क्योंकि वो MP40 यूज़ कर रहा है, उसको डर रहेगा कि आपके पास कहीं शॉर्ट गन ना हो। तो अक्सर MP40 वाले थोड़ा दूर से ही मारते हैं। मैं शॉर्ट गन ज़्यादा यूज़ करता हूँ, MP40 कम यूज़ करता हूँ। तो गाइस, वो आप लोगों को ऐसा ही मार देगा। और गाइस, अगर मैं बात करूं कि इस वाली MP40 ये कैसी है, तो गाइस आप, मैं तो पहले समझता कि बहुत अच्छी है कि मतलब इसका रेट ऑफ फायर और भी ज़्यादा कर दिया गया है, बट गाइस इसका मतलब जो मैकेनिकल MP40 है उसको बीट नहीं कर पाएगी। वो काफ़ी अच्छी MP40 है गाइस, उसका डैमेज डबल है, रेंज और भी ज़्यादा है गाइस, रेंज उसकी और भी ज़्यादा है। तो काफ़ी अच्छी MP40 मैं यूज़ करता हूँ, तो उसी को यूज़ करता हूँ, बाकी मैं शॉर्ट गन यूज़ कर लेता हूँ, डबल डैमेज वाली और एक्यूरेसी माइनस वाली। सो गाइस, अगर आप लोगों की प्रॉब्लम क्लियर हो गई तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, और आप लोग बताइएगा कि आप मेरे साथ मतलब मैं जो बता रहा हूँ आप उसके एग्री करते हैं कि नहीं एग्री करते, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और गाइस, एक चीज़ पूछनी थी आप लोगों, दो गनों के बीच में कंपेरिजन चाहिए, यानी कि आप लोग जाए कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कौन सी गन आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगी, मतलब कि कौन सी गन अच्छी चलानी चाहिए, तो दो गन के बीच में कंपैरिजन चाहिए, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर से जरूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और बस गाइस, आज की वीडियो में मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।